हे गाइस, मैं हूँ रोहित और ट्विटर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और मोस्टली का शायद उस पर अकाउंट भी हो। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी का अकाउंट ट्विटर पे होता ही है जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो भी करते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट करके कहें कि मैंने अपने जीवन में बहुत कमाया है और देश का प्रधान होने के नाते कोरोना काल की स्थिति में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ और कहें कि आप मेरे इस अकाउंट पर 1,000 रुपये डालें और उसके बदले में मैं आपको 5,000 रुपये वापस करूंगा आपके अकाउंट में, तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा आदमी जब ये कहेगा तो लोग उन्हें पैसा भेजना स्टार्ट नहीं कर देंगे? इनका तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा ही हुआ 15 जुलाई को यानी परसों ट्विटर पर हुआ अभी तक का सबसे बड़ा साइबर हमला। परसों शाम अचानक एलोन मस्क, जो स्पेसएक्स के सीईओ हैं जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनके वेरीफाइड अकाउंट से एक ट्वीट होता है और ट्वीट में लिखा था कि समाज ने मुझे बहुत दिया और अब मेरी बारी है कुछ वापस देने की। मैं अपने फॉलोवर से अपील करता हूँ कि आप मेरे इस अकाउंट पे $1,000 यानी लगभग ₹75,000 भेजें और इसके बदले में मैं आपको $2,000 आपके अकाउंट में भेजूँगा। आपके पास सिर्फ 30 मिनट है। तो सोचिए, इतना बड़ा आदमी जब ये कहेगा तो उनके फॉलोवर्स क्या करेंगे? उसके तुरंत बाद कुछ ही देर में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बिल ग्रेट के वेरीफाइड अकाउंट से भी सेम ट्वीट आता है कि आप मेरे पास $1,000 भेजें, मैं आपके अकाउंट में $2,000 भेजूंगा। अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान ऐसा कहेगा तो भला कौन यकीन नहीं करेगा? और यही हुआ, उनके फॉलोवर्स ने पैसा भेजना शुरू कर दिया। लेकिन ये ट्वीट ना ही बिल ग्रेट्स ने किया था और ना ही एलोन मस्क ने। इनका ट्विटर का अकाउंट हैक कर लिया गया था और हैकर ने वो ट्वीट किया और अपना बिटकॉइन का अकाउंट उस ट्वीट में दे दिया, जिन पर लोगों ने काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन ट्विटर को पता चल गया था कि ये कोई साइबर हमला हुआ है और ट्विटर ने उन दोनों की वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन जब तक काफ़ी लोग पैसा भेज चुके थे। ये हैकर्स यहीं नहीं रुके, फिर उन्होंने अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा का ट्विटर अकाउंट हैक किया, इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, और दुनिया के सबसे अमीर इंसान अमेजोन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट और भी काफ़ी बड़े बड़े इंसान के ट्विटर से ट्वीट हुए और सबके अकाउंट से सेम यही ट्वीट किया गया और लोगों ने दवा के पैसा भेजना शुरू कर दिया। लेकिन ट्विटर ने बिना देरी करते हुए सबके ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए, लेकिन अब तक काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हो चुका था और ट्विटर को ये भी नहीं पता था कि अब अगला ट्वीट किसके अकाउंट से होने वाला है, और ये सब लगातार चलता रहा और मजबूरन ट्विटर को सभी ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट के पोस्ट एबिलिटी को ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन जब तक लोगों ने हैकर्स के अकाउंट में लगभग $1,00,000 यानी ₹75,00,000 से ज़्यादा पैसा भेज दिया था। सोचिए, अगर ट्विटर कुछ देर और करता तो ये हैकर्स कितने बड़े हमले का अंजाम दे सकते थे। बाद में ट्विटर ने बताया कि ये किसी नॉर्मल हैकर का काम नहीं है, ये किसी प्रोफेशनल हैकर की टीम का काम है। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि हैकर ने हमारे ट्विटर के एम्प्लॉय को टारगेट करके या उन्हें हैक करके सभी के अकाउंट के एक्सेस चुरा लिए थे। लेकिन बात चाहे जो भी हो दोस्तों, ये तो पता चल गया कि इंटरनेट पे कुछ भी सिक्योर नहीं है और ना ही किसी भी सोशल मीडिया पे हम यकीन कर सकते। आप ही सोचिए, अगर ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट से होता तो कितने लोगों का पैसा डूबता। ये अभी तक का सबसे खतरनाक साइबर हमला था। तो दोस्तों, आप भी किसी सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल वीडियो इमेज या बैंक डिटेल शेयर करने से पहले ज़रूर सोचें, और किसी भी ऐसी पोस्ट या मैसेज जैसी परसों हुई है यकीन ना करें, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की भी क्यों ना हो। पैसों का मामला कहीं भी सोशल मीडिया पे हो, आपको यकीन करना ही नहीं है और हमेशा होशियार रहना है। दोस्तों, ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारा इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको अवेयर करना है कि आप ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि ये आज भी हुआ है और शायद कल भी होगा। ज़रूरत है हमें सावधान होने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जिससे फ्यूचर में कोई भी इंसान ऐसी गलती ना करें। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just